हे हाय नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, होप आप सब लोग अच्छे हो। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस थियरी, वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग थियरी, सिर्फ सी टेट टेट के स्टूडेंट्स लिए, आप मैं सब लोगों हम रिलेट कर पाते हैं इस थियरी के साथ। तो इस थियरी के नोट्स या इंफॉर्मेशन कुछ चाहिए तो इट इज़ ऑलवेज अवेलेबल इन माई बुक, डिस्क्रिप्शन में देखो आपको पूरे लिंक्स मिल जाएंगे, यू कैन परचेज इट। एंड अगर पसंद आए तो डू लाइक माई वीडियो और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो कमिंग टू लियोन फेस्टिंगर, इनका ये जो कॉग्निटिव डिसोनेंस थीरी जो कुछ है, वेरी इंटरेस्टिंग थीरी है। तो ये जो है, ही इज़ एन अमेरिकन सोशल साइकोलॉजिस्ट है, वेरी फेमस है ये। तो पहले वाली क्लास में भी आई डिड डिस्कस अबाउट सोशल साइकोलॉजी, है ना। फिर से मैं दोहराती हूँ, क्या होती है सोशल साइकोलॉजी? इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ पीपल्स थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्शन, इमेजिन्ड और इम्प्लाइड प्रेजेंस ऑफ अदर्स। यानी सोशल साइकोलॉजी वो होती है जहाँ इट इज़ अ स्टडी, जहाँ हम पीपल के, लोगों का, उनके सोच, उनके विचार, उनके बिहेवियर, उनके हाव भाव, उनके ऊपर कैसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इन सब के ऊपर हम स्टडी करते हैं। दैट इज, तो फेस्टिंगर वो आदमी थे जो ही वॉज अ सोशल साइकोलॉजिस्ट। तो इन्होंने एक इसी के ऊपर एक थियोरी लेके आए हैं, दैट इज अ कॉग्निटिव डिसोनेंस थियोरी। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थियोरी है, एग्जाम्पल्स के साथ मैं शेयर करूंगी आपके साथ इस वीडियो में, तो स्टे ट्यून। सो ये जो कॉग्निटिव डिसोनेंस थियोरी होती है, सिंपल टर्म्स में अगर बोलना है, आप अगर आपको ये बात समझ में आ गया, कॉन्ट्रडिक्शंस इन एटीट्यूड एंड बिहेवियर, यानी जो कुछ मैं सोचती हूँ और जो कुछ मैं करती हूँ उसमें जब कॉन्ट्रडिक्शन होती है, देन आई कैन से दैट इट इज बेस्ड ऑन कॉग्निटिव डिसोनेंस। ओके, सो जब हम देखते हैं, व्हेन देर इज इनकंसिस्टी बिटवीन एटीट्यूड्स और बिहेवियर, बिहेवियर यानी मेरे सोच और मेरे व्यवहार, जैसे मैं बिहेव करती हूँ उसमें कॉन्ट्रडिक्शन जब होता है, जब ऐसे सिचुएशंस जो आते हैं कि मेरा एटीट्यूड कुछ और होता है, मेरे बिलीफ कुछ और होता है, लेकिन मैं कुछ और करती हूँ, तब ये कॉग्निटिव डिसोनेंस होती है। ये एक फीलिंग ऑफ मेंटल डिस्कम्फर्ट होती है। तो हमारे नो, वो ऑब्वियसली आप बोलो, आप कुछ और बोलते हो, कुछ और करते हो, देन डोंट आर यू ऑन अ कंफर्टेबल जोन? अब हार्मोनी में होता है आपका ब्रेन, आपके माइंड, दिमाग में नहीं है ना। तो एक एग्जाम्पल देती हूँ, लोग नॉन वेजिटेरियन खाते हैं लेकिन उनको मालूम है कि नॉन वेजिटेरियन से कुछ हेल्थ इश्यूज आते हैं, बाहर का नॉन वेज खाने और भी हेल्थ इश्यूज आते हैं, लेकिन फिर भी बाहर जाके KFC वो मैकडोनल्ड ये वो करके खाते हैं। तो ये क्या होती है, ये एक स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस होती है। यानी उनको मालूम है कि ये गलत है, उनको उनका मन बोलता है कि ये सही नहीं है, लेकिन फिर भी वो काम कर लेते हैं। सो सम मोर एग्जाम्पल्स आर स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सब भी ऐसे ही हैं। बहुत सारे लोगों को मालूम है कि स्मोकिंग सेहत के लिए अच्छा नहीं है, इट लीड्स टू कैंसर स्ट्रेट अवे, फिर भी लोग स्मोक करते हैं। इवन वो क्या है, सिगरेट बॉक्स के ऊपर भी इतने इतने क्या पिक्चर्स भी देते हैं, फिर भी लोग, उनको मालूम होता है कि ये पीने से उनका सेहत खराब हो जाएगा, फिर भी वो करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉग्निटिव डिसोनेंस। देखिए, दिमाग में किसी को कॉन्ट्रडिक्शंस पसंद नहीं आता है ना, वी डोंट लाइक कॉन्ट्रडिक्शंस, वी वॉन्ट अ बैलेंस इन आर लाइफ्स। सो क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं ना, जनरली वो क्या करते हैं, दे ट्राई टू मॉडिफाई देयर कॉग्निशंस, उनके दिमाग में ये जो सोच है ना उसको मॉडिफाई करने के लिए ट्राई करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, आई टेक माई ओन एग्जाम्पल ओनली। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, पहले आदमी या लोग कैसे क्या करना चाहते हैं, व्हेन दे नो इट इज रॉन्ग फिर भी करते हैं, देन वो उसको मॉडिफाई करने के लिए ट्राई करते हैं। तो देखो, आई ईट नॉन वेजिटेरियन, ओके, नाउ बिकॉज ऑफ दिस कॉन्ट्रडिक्शन, मुझे मालूम है कि मुझे नॉन वेज नहीं खाना है, बिकॉज माई स्पिरिचुअल जोन और जो भी हो, मैं कहता है कि नॉन वेज नहीं खाना, फिर भी मैं खाती हूँ। नाउ बिकॉज ऑफ दिस कॉन्ट्रडिक्शन मैं क्या करूंगी, आई माइट से आई ईट नॉन वेज बट नॉट सो मच, और आई रियली डोंट ईट दैट मच, ऐसे में मैं बोलूंगी, है ना। सो देर इज अ लिटिल बिट ऑफ चेंज, यानी मैं मॉडिफाई करने के लिए कोशिश कर रही हूँ। मेरा ये डिस्कम्फर्ट लेवल जो कुछ है मेरे दिमाग में, मेरे थॉट्स में कि मैं नॉनवेज खा रही हूँ, तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, वो डिस्कम्फर्ट को थोड़ा कम करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, बोलूंगी नहीं, मैं कम खाती हूँ, मैं इतना भी नहीं पसंद करती हूँ। दिस इज माई फर्स्ट स्टेज, फर्स्टली मैं इस तरह ट्राई करूंगी।
और थोड़ा आगे आई रियली वॉन्ट अ लिटिल बिट मोर कम्फर्ट टू माई सेल्फ, तो मैं क्या करूँगी, सेकेंड थिंग आई विल डू इज ट्राई वाइटलाइज, यू नो, यानी उसको लेस इम्पॉर्टेंट, मेरा जो नॉनवेज ईटिंग वाली बात को थोड़ा आई विल मेक इट लेस इम्पॉर्टेंट इन माई लाइफ. तो मैं क्या बोलूँगी, माई फैमिली सेज दैट आई हार्डली ईट मच, तो मेरे मेरे फैमिली जो लोग हैं वो बोलते हैं कि मैं बहुत कम खाती हूँ, तो मैं उसको और भी सिंप्लीफाई करने के लिए ट्राई कर रही हूँ. ओके, और उसके बाद देर इज अ थर्ड थिंग दैट जनरली कॉग्निटिव डिसोनेंस जब होता है और यू जस्ट वॉन्ट टू मेक योर सेल्फ इन दैट कम्फर्टेबल जोन जब आना चाहते हो, तो हम और द थर्ड ऑप्शन इज हम और भी कॉग्निशंस ऐड करते रहेंगे. द थर्ड वे इज बाय एडिंग मोर कॉग्निशंस. पहला क्या होती है, पहले हम मॉडिफाई करना चाहते हैं जो कुछ हम कर रहे हैं, उसके बाद ट्राई वाइटलाइज करते हैं, उसके बाद होता है एडिंग मोर कॉग्निशंस. दैट इज, अब मैं बोल सकती हूँ कि मैं बहुत कम खाती हूँ यार, मैं सिर्फ हफ्ते में 2 ही बार खाती हूँ, सो इट डजेंट रियली मैटर मच, मैं ज़्यादा नहीं खाती. सो दिस इज़ द थर्ड वे, मैं और भी कॉग्निशंस ऐड कर रही हूँ कि हफ्ते में इट्स जस्ट ट्वाइस नॉट हर रोज. तो दिस वे आई एम ट्राइंग टू एड ज़्यादा थॉट प्रोसेस उसके ऊपर, मोर कॉग्निशंस ऐड कर रही हूँ. एंड लास्टली द फोर्थ इज टू डिनाई कम्प्लीटली, से आई ईट सो लेस इट डजेंट रियली मैटर, यानी पूरा का पूरा मैं उसको अवॉइड, जस्ट मेक इट वेरी सिंपल करना चाहती हूँ, एंड आई डोंट वॉन्ट एनी डिस्कम्फर्ट मेरे दिमाग में. तो आई सिंपली से यार मैं बहुत कम खाती हूँ, डजेंट रियली मैं इतना कम खाती हूँ. तो ये नॉनवेज ये सब कैसे है, इट इज ऑल इन द आईज ऑफ अ नॉनवेज ईटर, यानी मेरे दिमाग में मैं ऐसे देख रही हूँ. अगर हम स्मोकिंग वाली बात ही ले लेंगे, एक और दूसरा एग्जाम्पल आप ही सोच लो जो स्मोक कर रहे हो, पहला हम बोलेंगे मैं ज़्यादा नहीं स्मोक करूंगा, दूसरे बोलेंगे इट्स इवन इफ यू नो इट इज अनहेल्दी, ऐसे जो जो कुछ है ना जो हम मॉडिफाई करते हैं टू बिलीव दैट इट इज ओके, इट इज एब्सोल्युटली फाइन, हमारे बैलेंस में होना है, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड कॉग्निटिव डिसोनेंस. होप आप सबको क्लियर है अब व्हाट इज कॉग्निटिव डिसोनेंस, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. और हु वाज द वन हु हैज, वेट लेट मी टेक इट, लियोन फेस्टिंगर वाज अ पर्सन हु केम अप विद दिस कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी. एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए थे कि लियोन फेस्टिंगर इन 1957 में कौन सा थ्योरी लेके आए हैं, दैट इज कॉग्निटिव डिसोनेंस. और 1951 में इन्होंने एक और थ्योरी लेके आए हैं, लेट मी गो डाउन 1 मिनट, वो है सोशल कंपैरिजन थ्योरी. ही वॉज वेरी मच फेमस, यू नो, लियोन फेस्टिंगर वॉज नोन वेरी मच फॉर हिज टू थियोरीज. वो था एक कॉग्निटिव डिसोनेंस वाली थियोरी जो उन्होंने 1957 में पब्लिश किया, और सोशल कंपैरिजन थियोरी ये 1951 में किया था पहले. सो ये क्या है, ये थियोरी में इनफॉर्मल सोशल कम्युनिकेशन थियोरी वॉज अबाउट द पावर ऑफ द ग्रुप ओवर द पर्सन. यानी सोशल कम्युनिकेशन थियरी या कंपैरिजन जो कुछ होता है ना, दूसरों इंडिविजुअल से हम कंपेयर करके हमारे ओपिनियंस अगेंस्ट देयर ओपिनियंस, ऐसे कंपैरिजन वाली थियरी भी लेके आए हैं. बट आई थिंक आपके सीटेट के हिसाब से यू डोंट नीड टू नो मच अबाउट ऑल दीज थियरीज एंड ऑल, बिकॉज रेयरली दीज क्वेश्चन हैव बीन आस्ड. बट इन क्वेश्चन दे रियली मैटर, क्योंकि वो एक मार्क जा भी सकता है आ भी सकता है, बिकॉज इफ यू नो एटलीस्ट अ बेसिक कॉन्सेप्ट. कॉग्निटिव डिसोनेंस थीरी अगर आपने सुना है, उसका मीनिंग मालूम है, कौन कौन की कौन सा साइकोलॉजिस्ट लेके आए हैं, दिस शुड बी फाइन. बट कॉग्निटिव डिसोनेंस एज आई सेड, इफ यू नो द आइडिया कॉन्सेप्ट अच्छी तरह, इट विल बिकम इजी, दैट्स इट. ओके, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन, एंड डोंट फॉरगेट टू परचेस दिस बुक. बाय बाय, टेक केयर.